दोस्तों दुनिया भर के फैंस के ऊपर क्रिकेट का खुमार कुछ इस कदर होता है कि वो खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातों को जानने के लिए काफी ज्यादा आतुर रहते हैं, क्योंकि इस खेल की जान कहे जाने वाले फैंस के लिए खेल और खिलाड़ी ही उनकी जान है। लेकिन वो जिनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, जब भी क्रिकेट से जुड़ी कोई ना कोई खबर आती है तब हर क्रिकेट लवर उन्हें जानने को उत्सुक होता है। इसलिए हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इस खेल से जुड़ी 9 नई जानकारियों के बारे में, जो बताओ क्रिकेट फैन आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जानकारी से भरी इस वीडियो को। बस आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपसे एक भी जानकारी मिस ना हो। नंबर 1, PBL कंटिन्यूज इन बिटवीन ऑफ कोरोना फियर्स। दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना से दुनिया का लगभग हर फील्ड बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहा है। क्रिकेट भी उनमें से ही एक है। इस खेल में भी इस कोरोना काल की वजह से कई अहम श्रृंखलाएं और टूर्नामेंट या तो पोस्टपोन्ड हुए हैं या फिर कैंसिल हुए हैं। हमारी प्यारी T20 लीग IPL भी इस बीमारी की वजह से इस बार 2 चरणों में आयोजित हुई थी। बीते दिनों से एक बार फिर से कोरोना दुनिया में पैर पसारने लगा है, जिससे ये डर लग रहा है कि कहीं एक बार फिर से क्रिकेट को प्रभावित ना कर दे। इन आशंकाओं के बीच एक पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर चल रही है बिग बैश लीग। इस लीग में करीब 10 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, मगर काफी अच्छे स्तर पर हुए वैक्सीनेशन की वजह से इस लीग को रोका नहीं गया और एज पर शेड्यूल इसे कंटिन्यू किया जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार आयोजित होने वाला IPL भी अपने तय समय अनुसार आयोजित होगा, जिस पर सभी क्रिकेट फैंस की आंखें टिकी होंगी। नंबर 2, BCCI's अनऑफिशियल कम्युनिकेशन विद IPL टीम्स। दोस्तों, अभी पिछले दिनों ही BCCI ने एक घोषणा की थी कि 2022 का IPL सीजन भारत में ही ऑर्गेनाइज होने वाला है, लेकिन बीते कुछ दिनों से भारत में बढ़ते कोरोना के मामले को देखकर BCCI ने एक बार फिर से अपने इस डिसीजन के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। क्रिकेट के गलियारों से ये बातें भी सामने निकल के आ रही है कि BCCI ऑफिशियल्स ने IPL फ्रेंचाइज से बात करके कहा है कि वो 2022 के IPL सीजन के लिए तैयार रहे, क्योंकि शायद ये IPL सीजन भी हमें पिछले 2 सीजन की तरह UAE में होता हुआ दिखाई दे। इसलिए खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि BCCI ने टीमों से बात कर उन्हें UAE के बारे में बता दिया है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर से IPL दुबई, शारजहां और अबू धाबी के मैदान पर हमें दिखाई दे। हालांकि ये बात अभी अनऑफिशियल है, क्योंकि BCCI अपना ये डिसीजन जनवरी और फरवरी के कोरोना मामलों को देखकर लेने वाली है। नंबर 3, न्यू रूल इन ECB। दोस्तों, इंग्लैंड के क्रिकेटिंग गलियारों से एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर निकल के सामने आ रही है, और वो हम सभी के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। खबर ये है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड यानी कि ECB के कुछ ऑफिशियल्स एक नया नियम पारित करने में जुटे हैं, जो इंग्लिश खिलाड़ियों का भारतीय T20 लीग IPL में खेलने से जोड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि इस नियम के लागू होने के बाद ECB अपने खिलाड़ियों को लेकर ये निर्णय कर सकेगा कि किसे IPL में खेलना है और किसे नहीं। कहा तो ये तक जा रहा है कि इंग्लिश बोर्ड इस नियम को पास करवाने में इसलिए भी जोर दे रहा है क्योंकि एशिया सीरीज में उनका प्रदर्शन काफी ज्यादा खराब रहा है, जिसका जिम्मेदार क्रिकेट बोर्ड IPL को मान रहा है। इसलिए अब इस नियम की मांग और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए अब ये देखना होगा कि क्या ECB में ये नया नियम पास होता है या फिर नहीं। नंबर 4, स्कॉट स्टॉयरिस ट्वीट ऑन RR हैंडल। क्रिकेट के खेल में पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जंग छिड़ी रहती है। कभी टीमों के फैंस एक दूसरे पर तंजबाजी करते हैं, तो कभी पूर्व खिलाड़ी, कभी कभी तो ये ट्वीट्स इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं कि कई सारे विवाद जन्म ले लेते हैं। अभी बीते दिनों ही एक ट्वीट आया है पूर्व कीवी ऑलराउंडर स्कॉट स्टॉयरिस की तरफ से। ये ट्वीट राजस्थान रॉयल्स के ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट के रिट्वीट पर जवाब के रूप में आया था। राजस्थान रॉयल्स ने ट्वीट करके लिखा था कि इस बार यानी कि 2022 में वो IPL जीतने वाले हैं। इस ट्वीट के जवाब में स्कॉट ने सरकास्टिक रिप्लाई दिया कि कम से कम इसे रियलिस्टिक तो रखिए, यानी कि सपने वो देखे जिसको आपकी टीम पूरा कर सके। तो क्या स्कॉट को ये लगता है कि ये टीम खिताब नहीं जीत सकती, जबकि 2008 का पहला IPL खिताब इसी टीम ने अपने नाम किया था। देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान रॉयल्स स्कॉट के इस ट्वीट के जवाब कैसे देगा, ट्वीट से या फिर अपने खेल से। नंबर 5, BCCI गिव्स कंपनसेशन टू प्लेयर्स अफेक्टेड बाय कोविड। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के कमरों से एक खबर सामने निकल के आ रही है। वो ये है कि साल 2020 और 2021 में कोरोना काल की वजह से जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट या सीरीज BCCI के कंट्रोल से आयोजित होती है, उनके आयोजित न हो पाने की वजह से इन टूर्नामेंट से जुड़े खिलाड़ियों को BCCI कंपनसेशन देगी। जी हाँ दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि जो भी खिलाड़ी इन सीरीज या टूर्नामेंट से अपनी अपनी टीमों से खेलकर मैच फीस के हिसाब से जितने भी रुपए कमाता है, वो पैसे अब BCCI इन खिलाड़ियों को देने वाली है। इसका मतलब यह है कि अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम के लिए कोरोना की वजह से नहीं खेल पाने के लिए अब BCCI खिलाड़ियों को कंपनसेशन के रूप में पैसे देने वाली है। BCCI का ये डिसीजन युवा खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर मानी जा रही है, क्योंकि यंग प्लेयर्स ही इस डिसीजन के सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होने वाले हैं। नंबर 6, 6 न्यू कैप्टन्स इन IPL।
दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2020 का आईपीएल हमें नए रूप और रंग में देखने को मिलने वाला है, जहां पर अब हमें पुरानी 8 टीमों के अलावा दो नई टीमें भी देखने को मिलेंगी। इसलिए इस साल से हमें आईपीएल में अब कुल 10 टीमें खेलती हुई दिखाई देंगी। इस नए स्वरूप के साथ साथ इस बार आईपीएल से जुड़ी एक रोचक खबर सामने आ रही है। वो ये है कि इस बार आईपीएल में 10 में से 6 टीमें ऐसी होने वाली हैं जो नए कप्तान के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, इन टीमों के नाम है आरसीबी, जो विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने के बाद नए कप्तान को चुनने वाली है। दूसरी माही की सीएसके, जो कि एक हाइब्रिड मोड ऑफ कैप्टेंसी के रूप में उतरने वाली है, जहां पर आधे मैचों में माही और आधे में माही के उत्तराधिकारी के रूप में किसी खिलाड़ी को बतौर कप्तान चुनने वाली है। तीसरी केकेआर, चौथी अहमदाबाद, पांचवी लखनऊ और छठवी पंजाब किंग्स। तो दोस्तों, इतने नए कप्तानों के साथ नई टीमों की जुगलबंदी किस तरह मैदान पर हमें दिखाई देगी वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नंबर 7, चेतन शर्मा स्टेटमेंट। पिछले दिनों काफी नाटकीय ढंग में बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच हमें जुबानी और सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई दिखाई दी, जहां पर विराट कोहली अपनी कप्तानी छोड़ने को लेकर कुछ कह रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई कुछ और ही कह रही थी। इन सभी खबरों के बीच अभी हाल ही में टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का एक नया बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने विराट से T20 कप्तानी ड्रॉप ना करने को लेकर कई बार बोला था, लेकिन विराट नहीं माने, जिस वजह से बीसीसीआई को लेकर उन्हें वनडे कप्तानी से भी मजबूरन हटाना पड़ा, क्योंकि बीसीसीआई नहीं चाहती थी कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में दो कप्तान टीम को रिप्रेजेंट करें। अब इस बयान के आने के बाद आप किस पे यकीन करेंगे हमें कमेंट करके बताइएगा। नंबर 8, सेकंड टेस्ट मैच ऑफ साउथ अफ्रीका सीरीज। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में आज की 8वीं खबर ये है कि आज से साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई भारतीय टीम का दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। ये मैच भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे से शुरू होने वाला है। इस मैच के लिए खबरें सामने आ रही हैं कि इस मैच में भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली उपलब्ध नहीं रहेंगे। उनकी जगह टीम के हरफन मौला बल्लेबाज केएल राहुल टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं श्रेयस अय्यर भी हमें इस मैच में खेलते हुए नहीं दिखने वाले हैं। अब इस मैच में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम राहुल की कप्तानी में कैसा प्रदर्शन करती है। नंबर 9, भज्जी स्टेटमेंट मेक्स कंट्रोवर्सी। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद अगर किसी भारतीय खिलाड़ी के स्टेटमेंट पर विवाद ना हो तो फिर भाई कैसा रिटायरमेंट। बीते दिनों ऐसा ही हुआ जब पूर्व भारतीय लेजेंडरी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने रिटायरमेंट के बाद एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि माही ने उन बीसीसीआई ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारियों का सपोर्ट किया जो भज्जी को टीम से बाहर करवाना चाहते थे। हालांकि बाद में भज्जी ने अपनी इस बात को संभालते हुए कहा था कि उस टाइम माही के हाथ में कुछ भी नहीं था, तो वो सपोर्ट ना करके भी क्या कर सकते थे। लेकिन बातों ही बातों में उनकी बात से जरूर लगा कि माही ही वो इंसान थे जिन्होंने भज्जी को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैनल।